वेलकम दोस्तों। एंड आप सब जानते ही हैं, मैं एस के यादव, और आपको कुछ नई वीडियो क्लिप्स इस लॉकडाउन के दरमियान हम डाल रहे हैं। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में दो वीडियो डाला था, उम्मीद है कि आपने देखा होगा, पसंद आई होगी। बच्चों की डिमांड पर हमने एक और नया वीडियो क्लिप आपके पास लाया हूँ, शाहजहां के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, और शाहजहां 1627 में सत्ता में आया था। शाहजहां के नाम का मीनिंग है शाह माने किंग, जहां माने संसार, यानी विश्व का शहंशाह। नाम तो बड़े बड़े थे बड़े, लेकिन काम के नहीं थे। काबुल को जीत नहीं पाया था, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में तमाम घटनाएं हुई थी जिसको हम आपको बताएंगे। वैसे बेटे, शाहजहां का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। खुर्रम शब्द का मीनिंग होता है जॉयफुल, और इसका जन्म 1592 में हुआ था। रियल नेम अगर आपसे पूछा जाए, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, यह इसका वास्तविक नाम था। और वैसे खुर्रम शब्द का मीनिंग होता है जॉयफुल, यानी प्रसन्न चित्त रहने वाला। और ये नाम इसको इसके ग्रैंडफादर अकबर ने दिया था, मुगल किंग अकबर ने खुर्रम नाम इसको दिया था। इसका पालन पोषण रुकैया बेगम ने किया था बड़े, ये अकबर की फर्स्ट पत्नी थी। अकबर की फर्स्ट पत्नी, इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसका पालन पोषण रुकैया बेगम ने किया था। रुकैया बेगम के साथ ही रहता था, लाड प्यार से पाला था इसको। अकबर का बहुत प्यारा था, इसलिए अकबर ने खुर्रम शब्द इसको दिया था। खुर्रम शब्द का मीनिंग जॉयफुल होता है। तो खुर्रम का जन्म वैसे 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, खुर्रम की मदर का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई था, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री। याद रखिए, जोधा अकबर की नहीं थी, जोधा जहांगीर की पत्नी थी, जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं। तो जोधाबाई से पैदा हुआ था, लेकिन पैदा हुआ लाहौर में। तो इस तरह से शाहजहां का रियल नेम यही है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। और खुर्रम ये पर्शियन शब्द है, पर्शियन शब्द है ये। अच्छा, इसको शाहजहां नाम इसके फादर जहांगीर ने दिया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, खुर्रम ये नाम इसको अकबर ने दिया, लेकिन शाहजहां बहादुर ये नाम बेटी जहांगीर ने दिया था। दरअसल जहांगीर के शासनकाल में इसने कई विद्रोहों को दबाया था। विद्रोहों को दबाने से प्रभावित होकर जहांगीर ने इसको शाहजहां बहादुर की टाइटल दिया था। एक नाम इसको और दिया गया है, और वो नाम है बेटे बिल्डर ऑफ मार्वेल्स, यह भी नाम इसको दिया गया है। मार्वेल्स का मतलब होता है चमत्कार, अर्थात चमत्कार जैसे कार्य करने वाला। बिल्डर्स ऑफ मार्वेल्स, यह नाम इसको दिया गया है, क्योंकि ताजमहल वगैरह इसने बनवाया था, ताजमहल की वजह से ऐसे चमत्कारी काम किया था, इसलिए इसके यह भी नाम भी दिया गया है। तो
शाहजहां शब्द का मीनिंग शाह माने किंग, जहां माने संसार, यानी विश्व का शहंशाह। बाकी ये सारे नाम दिए गए हैं। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं, अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। शाहजहां की कई शादियां हुई थी। वैसे कंधारी बेगम, ये फर्स्ट वाइफ थी शाहजहां की। शाहजहां की फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन इससे पुत्री पैदा हुई थी। और वैसे अर्जमंद बानू बेगम, इसी को बेटे मुमताज महल कहा गया है। यही मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। वैसे तो 1500 इसका एंगेजमेंट 1607 में हुआ था। शाहजहां से इसकी सगाई 1607 में हुआ था। शाहजहां से इसकी सगाई 1607 में हुआ था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से इसकी शादी 5 वर्ष बाद हुई थी। इस समय वो अर्जमंद बानो बेगम 15 ईयर्स ओल्ड थी, 15 साल की थी। तो इसकी शादी अगर देखा जाए तो 1612 में, इस वर्ष इसका विवाह शाहजहां से हुआ था। तो शाहजहां से एंगेजमेंट 1607 में हुआ, 1612 में इसकी शादी हुई। और देन इसके फादर का नाम तो आप जानते हैं, आसफ जाह। ये इसके फादर थे और ये नूर जहां के रियल ब्रदर थे। तो इस तरह से अर्जमंद बानो बेगम आसफ जहां की पुत्री, नूर जहां की भतीजी, 1612 में शादी हुई थी। इसके अलावा दो बेगमें और थीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अर्जमंद बानो बेगम का है बेटे। इसी को मुमताज महल शाहजहां ने नाम दिया था शादी के वक्त, मुमताज महल। वैसे मुमताज मतलब प्रकाश, महल माने घर, यानी घर का प्रकाश। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। शाहजहां की मुमताज महल से कुल 14 संतानें हुई थी। 14 में से 7 संतानें जिंदा थी, 7 का देहांत हो गया था। सबसे पहला बड़ा बेटा अगर पूछा जाए दारा शिकोह, दारा शिकोह, इसे लवर ऑफ लर्निंग कहा गया है, यानी विद्या प्रेमी। तो ऐसा राजकुमार, ऐसा प्रिंस जिसको विद्या प्रेमी कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि इसने तमाम फारसी भाषा में किताबों को ट्रांसलेट किया है। संस्कृत भाषा की कई किताबों को इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, जिसमें आप जानते हैं कि दारा शिकोह ने महाभारत को, जो कि संस्कृत में है, उसको फारसी में रजमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया था, रजमनामा पर्शियन में। अब इसी महाभारत का ही पार्ट भगवद गीता भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भगवद गीता को फारसी में किसने अनुवाद किया है, तब भी दारा शिकोह लगाइएगा। तो कई सारी किताबों को इसने फारसी में अनुवाद किया था और शाहजहां इसको अपने पास रखता था। शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था ये। शाहजहां हरदम इसे अपने पास रखता था। तो दारा शिकोह इसी ने महाभारत को रज्मनामा इस नाम से ट्रांसलेट किया है, फारसी में। और इसके अलावा उपनिषद 108 हैं, उपनिषद्स,
इनकी संख्या वैसे तो 108 है, केवल 12 उपनिषद अवेलेबल है, इतने ही मिलते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, केवल इनमें से 12 अवेलेबल है। अधिकांश उपनिषदों को संस्कृत से फारसी में दारा शिको ने अनुवाद किया है, इसलिए इसको लवर ऑफ लर्निंग कहा गया है, विद्या प्रेमी कहा गया है। एक हाथ में भगवत गीता रखता था और बेटे दूसरे हाथ में कुरान रखता था। ऐसा प्रिंस भगवत गीता कुरान साथ साथ लेके चलता था, इसलिए अकबर से भी ज्यादा उदार प्रवृत्ति का था। अगर ये गद्दी पर आता, यह भी बेहद लिबरल मुगल किंग होता। चलिए दूसरा बेटा शुजा, यह शाह शुजा। तीसरा बेटा मुराद, तीसरा बेटा औरंगजेब था। चौथा बेटा मोहम्मद मुराद था। बेटियों का नाम रोशन आरा, जहान आरा, गौहर आरा, ये तीन पुत्रियां, चार पुत्र। मुमताज महल से 14 संतानें हुई थी। 14वीं संतान के बर्थ के समय मुमताज महल का देहांत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था। 14 में से 7 संतानें जिंदा थी। दारा शिकोह, शाह सुजा या सुजा, औरंगजेब, मुराद, रोशनआरा, जहानआरा, गौहरआरा। इसमें से जहानआरा शाहजहां की प्रिय पुत्री थी। फर्स्ट लेडी का स्टेटस इसी को दिया गया था, यानी मुमताज महल के डेथ के बाद जहानआरा को फर्स्ट लेडी का स्टेटस दिया गया था। जहानआरा को शाहजहां बहुत ज्यादा मानता था। और बेटे रोशन आरा हर अच्छे बुरे काम में औरंगजेब का साथ देती थी। जहान आरा हर अच्छे बुरे काम में शाहजहां का साथ देती थी। गौहर आरा हर अच्छे बुरे काम में दारा शिकोह का साथ देती थी। रोशन आरा पार्क दिल्ली में है, इसी पार्क में रोशन आरा का मकबरा बना पड़ा है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। हर अच्छे बुरे काम में औरंगजेब का साथ देती थी, जबकि गौहरआरा हर अच्छे बुरे काम में दारा शिकोह का साथ देती थी। जहानआरा अपने पिता शाहजहां के साथ थी। जहानआरा के कहने पर शाहजहां ने दिल्ली में चांदनी चौक शहर की स्थापना किया था। अब अगर ये पूछा जाए कि चांदनी चौक शहर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया, तो जहानआरा ने स्थापित तो शाहजहां ने किया, जहानआरा के कहने पर किया गया। चलिए इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और शाहजहां के शासनकाल में कोई नई विजय नहीं थी, हाँ, लेकिन साउथ इंडिया में औरंगजेब को गवर्नर बनाया गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कई राज्यों को जीतकर शाहजहां के शासनकाल में मिलाया था। वैसे गोलकुंडा, अहमदनगर, इनको जीतकर मुगल किंगडम में शामिल किया था। वैसे शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलखंड के चंदेल शासक जो झार सिंह ने विद्रोह भी किया था, उस विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था। और कई छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, जिसमें बंगाल में भयंकर एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को भी दबाया गया था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में काबुल को नहीं जीत पाया गया। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां की दक्षिणी नीति बहुत अच्छी थी। दक्षिणी नीति इसलिए अच्छी थी क्योंकि औरंगजेब उस समय दक्षिण का गवर्नर था, और दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपनी एक विशाल सेना तैयार कर लिया था। दक्षिण के 6 राज्यों से टक्कर लिया था, और उन दक्षिण के 6 राज्यों में से कई राज्यों को जीत करके मुगल किंगडम में शामिल किया था। शाहजहां का सबसे बुरा वक्त था जब उसकी पत्नी मुमताज महल का देहांत हो गया था। अब आप देखिए,
1631 में मुमताज महल का देहांत हो गया था। मुमताज महल का देहांत, वैसे मुमताज महल 1593 में पैदा हुई थी और आप तो जानते हैं 1612 में शादी किया था। 1631 में मुमताज महल का देहांत है। इसका देहांत अगर पूछे प्लेस कहां पर, तो बुरहानपुर में, बुरहानपुर एमपी में। तो बेटे बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। 1631 में मुमताज महल का देहांत कैसे हुआ? ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, 14वीं संतान के जन्म के समय जच्चा बच्चा दोनों मर गए। तो यहां शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का देहांत हो गया। जिस समय मुमताज महल का देहांत हुआ उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था और जैसे ही देहांत का समाचार सुना लौट पड़ा और तब से शाहजहां दुखी रहने लगा। और वैसे मुमताज महल की याद में 1632 से 1654 के बीच में ताजमहल का निर्माण करवाया। कहीं कहीं 1631 से 53, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। ताजमहल का वास्तविक नाम, रियल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो रोजा, रियल नेम रोजा ए मुनव्वर, ये इसका वास्तविक नाम है। रियल नेम है ताजमहल का रोजा ए मुनव्वर। वैसे ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में हुआ था, 22 वर्ष लगे बड़े, और लगभग 20,000 कर्मचारी इसमें दिन रात काम किए थे। इतने वर्कर्स डे नाइट काम किए थे। सो 22 वर्ष लगे, 20,000 कर्मचारी दिन रात काम किए थे। और व्हाइट मार्बल मकराना से लाया गया था, मकराना राजस्थान में, यहां से व्हाइट मार्बल्स मंगाया गया था। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगाया था। वैसे तो इसको बनाने में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग ओपिनियन हैं। ट्रावर्नियर एक फ्रेंच मर्चेंट था, जेब मर्चेंट ट्रावर्नियर, वो इसी समय इंडिया आया था शाहजहां के शासनकाल में। उसने भी इसका कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट किया हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ लोग कहते हैं 56 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। कुछ विद्वानों का मानना है 6.5 करोड़ में बना था। कुछ कहते हैं 9 करोड़ लगे थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग ओपिनियन हैं। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे, 20,000 कर्मचारी, व्हाइट मार्बल मकराना से मंगाया गया था। और खास एक बात इसकी यह है कि वास्तुकार इसका डिजाइनर, इसका आर्किटेक्ट, ताजमहल का आर्किटेक्ट जो कि अक्सर एसएससी वगैरह में पूछा गया है, उस्ताद ईशा खान है। ये इसके आर्किटेक्ट थे। इनके साथ एक और आया था, अहमद लाहौरी। ये दोनों फारस से बुलाए गए थे, पर्शियन अर्थात फारस, आज का ईरान है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, यानी फारस है। उस्ताद ईशा खान, अहमद लाहौरी ईरान से आए थे। इन्होंने इसको डिजाइन किया था और इन्होंने इनमें कलाकारी किया था, आर्ट वगैरह। और वैसे आप जानते हैं ताजमहल में भी पेत्रादुरा आर्ट का प्रयोग किया गया है। इस कला के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसको आप हिंदी में पच्चीकारी कह सकते हैं। पच्चीकारी यानी पेत्रादुरा आर्ट का प्रयोग ताजमहल में भी किया गया है।
यह कला इटली से आई थी। पहली बार इस कला का प्रयोग जहांगीर के मकबरे में, सॉरी, पहली बार इसका प्रयोग है, फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग है, एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा के पास है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला नूरजहां के फादर थे, तो उसी में सबसे पहले पेत्रादुरा कला का प्रयोग किया गया है। बाद में इसका प्रयोग ताजमहल में किया गया है। पेत्रादुरा शब्द का मीनिंग होता है कि सफेद संगमरमर की दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थरों को जड़कर फूल पत्तियों से सजाना, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन, अर्थात व्हाइट मार्बल में अन्य कलर के पत्थरों को चिपका चिपका के फूल पत्तियों से सजाना। तो ताजमहल दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग है, और वैसे तो आप जानते हैं ताजमहल 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अर्थात 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, आगरा लाल किला और आगरे का ताजमहल, चारों मुगल बिल्डिंग को 1983 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया था, जिसको आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। खैर, ताजमहल विश्व की सबसे रिच हेरिटेज मानी जाती है, जिसको कि 2010 में वंडरफुल थिंग्स में वोटिंग कराया गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग ताजमहल के लिए हुआ था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में विश्व के आश्चर्यचकित चीजों के लिए वोटिंग कराया गया था 2010 में। उसमें ताजमहल सबसे ज्यादा वोटिंग में वोटिंग नंबर पाया था। खैर, वो मान्य नहीं है, मेडिवल वर्ल्ड में भी ताजमहल को विश्व की खूबसूरत बिल्डिंग मानी गई है। और वैसे तो आज जैसे मुकेश अंबानी का एंटीला पैलेस एलमंड रोड मुंबई में विश्व की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग है, इसी तरह मध्यकाल में ताजमहल को विश्व की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग मानी गई थी, और शाहजहां को उस समय दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। तो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल की खूबसूरती को देखकर तमाम इतिहासकार बड़ा आश्चर्य व्यक्त किए हैं। इसलिए इसको मेडिवल इंडिया में वर्ल्ड के आश्चर्य वस्तुओं में रखा गया है, वंडरफुल थिंग्स में रखा गया है। और वैसे आप जानते हैं, इंडिया से बाहर ताजमहल बनाया गया है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में, दुबई में। दूसरा जैसा ताजमहल ये इंडिया वाला है, ऐसा डिक्को ताजमहल दुबई में बनाया गया है, और एक ताजमहल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी है। लेकिन बेटे, अगर ये कहा जाए बेबी ताजमहल किसे कहा जाता है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां के फादर एतमादुद्दौला का मकबरा, उसे बेबी ताजमहल कहा गया है। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब की वाइफ राबिया उद्दुर्रानी का मकबरा, राबिया उद्दुर्रानी का मकबरा ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, जिसको सेकंड ताजमहल कहते हैं। औरंगजेब ने ताजमहल से भी खूबसूरत बनवाना चाहा, लेकिन बन नहीं पाया, इसलिए उसको डर्टी कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा गया है, अर्थात ताजमहल की गंदी नकल भी कहा गया है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि इंडिया से बाहर ताजमहल कहां पर है, तो दुबई में है। दुबई यानी यूएई में वर्ल्ड के सारे वंडरफुल थिंग्स को बनवा रहा है वो। और दूसरा इंडिया से बाहर ताजमहल ढाका में है। बेबी ताजमहल या मिनी ताजमहल एतमादुद्दौला का मकबरा आगरे में है। सेकेंड ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल या डर्टी कॉफी ऑफ ताजमहल बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, जिसे औरंगजेब ने अपनी वाइफ राबिया उद्दुर्रानी की याद में बनाया था। राबिया उद्दुर्रानी का असली नाम दिलरास बानो बेगम था, बताएंगे आगे आपको। तो यह विश्व की सबसे वंडरफुल थिंग्स हैं जो हम आपको अभी बताए हैं। अब आप देखिए, पत्नी मुमताज महल के देहांत के बाद शाहजहां, वैसे तो शासन सत्ता चलाता रहा, लेकिन ताजमहल को देखकर दुखी हो रहा था, इसलिए शाहजहां ने डिसाइड किया
वह अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली ले जाएगा। वैसे बेटे आगरा के ताजमहल में भी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए थे, जैसे आपको बताएंगे मोती मस्जिद यानी पर्ल मॉस्क। आगरा लाल किले के अंदर एक पर्ल मॉस्क है, मोती मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाया था। एक और मस्जिद है नगीना मस्जिद, आगरा लाल किले के अंदर ही है नगीना मस्जिद, उसे भी शाहजहां ने बनवाया था। कुछ पार्ट रेड फोर्ट का शाहजहां ने बनवाया था। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि अकबर के बाद आगरे रेड फोर्ट का कुछ पार्ट किसने बनवाया था, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था, कुछ पार्ट पूरा नहीं। जैसे मोती मस्जिद आपको बताया, नगीना मस्जिद बनवाया बताया आपको, ये सारी बातें। दिल्ली से राजधानी आगरा अकबर ले गया था। वैसे तो आगरा शहर की स्थापना, आगरा सिटी की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था, और आगरा में सिकंदर लोदी ने ईंट का किला बनवाया था, उसको आगरे का किला कहते थे, लेकिन वह ईंट से बना था। बाद में 1565 में अकबर ने ईंट वाला किला हटवा करके उसके स्थान पर पत्थर का रेड फोर्ट बनाया। तो अगर ये पूछा जाए आगरा किला किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी लोदी वंश का था। आगरा शहर किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने 1504 में पहली बार। आगरा को कैपिटल किसने बनाया था, तब भी सिकंदर लोदी ने पहली बार आगरा को कैपिटल बनाया। लेकिन मुगल किंग जिसने फर्स्ट टाइम आगरा को कैपिटल बनाया, तो बेटे अकबर होगा। आगरा रेड फोर्ट पूछे, अकबर लगाइए। आगरा किला पूछा जाए, सिकंदर लोदी लगाइए। लेकिन अब आगरा किला नहीं है जो कि ईंट का बना हुआ था, अकबर ने ईंट की जगह लाल रंग के पत्थर से आगरा रेड फोर्ट बनवाया। उसके अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया, उसके अंदर नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। तो इस तरह शाहजहां ने आगरा से कैपिटल दिल्ली लाया। वैसे तो आप जानते हैं दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में, 736 AD में, 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। अनंगपाल तोमर फर्स्ट भी कह सकते हैं। और उसने 736 में दिल्ली का के नाम पर दिल्ली, बाद में दिल्ली शहर की स्थापना किया था। बाद में कई बार दिल्ली राजधानी के रूप में बसी और उजड़ी। अब आप देखिए मुगल किंग शाहजहां ने कैपिटल आगरा से दिल्ली लाया। कारण ये था कि आगरा लाल किले के शाह बुर्ज से ताजमहल को देख देख कर दुखी हो रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह राजधानी आगरा से शिफ्ट कर दिल्ली ले जाएगा। इसलिए दिल्ली को अपने नाम से शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था। तो इस तरह बेटे शाहजहां इसने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली को लाया था, आगरा टू दिल्ली, और दिल्ली का नाम अपने नाम पे शाहजहानाबाद रखा। शाहजहानाबाद, वैसे इसको वर्ल्ड सिटी भी कहा गया है। चारों तरफ से दीवार बनी थी, दीवारों का शहर दिल्ली के शाहजहानाबाद को कहा जाता है। और वैसे इसमें प्रवेश के लिए 5 गेट बनाए गए थे, हालांकि 14 गेट थे टोटल। टोटल 14 गेट्स बने थे, 14 गेट्स, लेकिन इन 14 में से अब केवल 5 गेट सरवाइव कर रहे हैं इस समय बड़े। अदरवाइज 14 गेट्स थे टोटल। पहला गेट जिसको आप दिल्ली गेट कह सकते हैं, कश्मीरी गेट, कश्मीर साइड में कश्मीरी गेट, अजमेर साइड में अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन साइड में है, रामलीला ग्राउंड साइड में तुर्कमान गेट है, और इसके अलावा
लाहौरी गेट। तो बेटे ये पांच गेट बने हुए हैं, अब भी ये पांचों गेट देखते हैं, 14 में से पांच यही सरवाइव कर रहे हैं इस समय। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी, प्रवेश के लिए इन 14 गेटों से प्रवेश किया जाता था इस शहर में, शाहजहानाबाद में। इसलिए इसको वॉल्ड सिटी कहते हैं, दीवारों का शहर। 14 गेट, 14 में से पांच सरवाइव कर रहे हैं, बाकी नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। वैसे तो अधिकांश दीवारें भी टूट गई हैं, अदरवाइज ये दीवारें चारों तरफ से दीवारें थी, ये गेट्स 14 थे। शाहजहां ने दिल्ली शहर को अपने नाम से शाहजहानाबाद के नाम से बसाया था। शाहजहानाबाद में बड़ी तारीफ की गई हिस्टोरियंस के द्वारा। वैसे तमाम हिस्टोरियन हैं जिसने बड़ी तारीफ किया है। ये शाहजहां के समय की वेल प्लान्ड सिटी थी, जिसमें दिल्ली का लाल किला है, लाल किले के अंदर तमाम बिल्डिंग्स बनी हैं। तो ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे कि दिल्ली और शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला किस प्रकार अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंची, यह सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे। आई थिंक आपको यह वीडियो क्लिप पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।